अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह किसी वीडियो से कॉपीराइट रिमूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जाना है अपने यूट्यूब स्टूडियो पे, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें हमारा जो है वो कंटेंट शो होगा, जिसमें जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है हम उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कॉन्टेंट की, हम इस कॉन्टेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमें शो हो जाएगा कि किस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए आप, थर्ड वीडियो है जिस पे नागिन वाली, जिस पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। रिस्ट्रिक्शन में व्यू सी डिटेल्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन शो हो रही है और इस पर लिखा हुआ है कि ये इसके ऊपर कॉपीराइट आया हुआ है। अब हमने इसको रिमूव करना है। हम ये जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्री ऑप्शन है, ट्रिम कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका सॉन्ग जो है वो म्यूट कर दें तो आप म्यूट कर लें, रिप्लेस करना चाहते हैं तो ऑडियो लाइब्रेरी से हो जाएगा, और अगर ट्रिम करना चाहते हैं तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये सारा ट्रिम हो जाएगा, फिर वीडियो शॉर्ट हो जाएगी आपकी। तो मैं तो यहाँ पर रिप्लेस करूँगी। जैसे ही मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है वो YouTube स्टूडियो से बहुत से सॉन्ग्स आ जाएंगे और उसमें से कोई मैं सिलेक्ट कर लूँगी। रिप्लेस पे क्लिक किया मैंने और इसके बाद जो है रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सॉन्ग्स आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास सॉन्ग्स आ गए हैं। आप अपनी वीडियो की जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 मिनट्स की वीडियो है तो यहाँ से ये 3 मिनट का सॉन्ग सेलेक्ट कर लें, 4 मिनट की है तो 4 मिनट का कर लें। मेरी वीडियो दरअसल नागिन पे थी, तो एक हॉरर ड्रामा है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि जो मेरा सॉन्ग हो वो कोई हॉरर टाइप हो। तो मैं यहाँ पे अब सिलेक्ट करूँगी डेविल्स ऑर्गन। जैसे ही वो सिलेक्ट करूँगी तो वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा और ये जो नागिन का ओरिजिनल सॉन्ग है ये यहाँ से मैं रिप्लेस कर दूँगी इसको। अब देखें डेविल्स ऑर्गन जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको प्ले करूँगी और जैसे ही प्ले करूँगी ये सॉन्ग जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने ये सॉन्ग लगा दिया है। लगाने के बाद मैं इस वीडियो को प्ले करूँगी और जैसे ही प्ले करूँगी तो ये सॉन्ग जो है वो प्ले हो गया। देखिए मैंने वीडियो पर क्लिक किया है और अब हमें ये सॉन्ग सुनाई देगा। ये देखें मैंने एक और सॉन्ग सेलेक्ट किया था। इसके बाद पहले एनजाइटी एक सॉन्ग था, वो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं डेविल सॉन्ग जो है वो बेटर है। वो सेलेक्ट करने के बाद मैंने सेव चेंज किया तो यहाँ पे आ रहा था कि टाइम लगेगा, लेकिन मैंने वीडियो रोक दी थी और रोकने के बाद मैंने आपको जो है वो शो करवाया। आप कोई यहाँ पर देखें थर्ड वीडियो में कोई कॉपीराइट क्लेम शो नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा कॉपीराइट क्लेम जो है वो दूर हो चुका है। मैं आपको चैनल पर जाकर भी जो है वो दिखाऊँगी कि किस तरह हमारा कॉपीराइट क्लेम जो है वो रिमूव हो चुका है। मैं अपने चैनल पे जाकर इस वीडियो पे क्लिक करूँगी, जो हमारे पास वीडियोस अब यहाँ पे शो होंगी इसमें से मैं अपनी नागिन वाली वीडियो पे क्लिक करूँगी और जैसे ही नागिन वाली वीडियो पे क्लिक करूँगी तो उसके ऊपर ही शो हो जाएगा कि यहाँ पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। और मैं आपको सॉन्ग भी सुना देती हूँ अभी, कि जो सॉन्ग लग चुका है हमने रिप्लेस किया है।